सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई है ताकि गाँव में कच्चे मकान झोपड़ी में रहने वाले परिवारों का पक्का आवास बन सके। परंतु बड़े अफसोस की बात है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के सकरन ब्लॉक के टडवा कला गांव में आशा सहित 50 परिवारों के पास पक्का आवास न होने के चलते काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं है, और हम गरीबों गांव में हमारे कम से कम 50-60 घर ऐसे हैं गरीब जिनके पास झोपड़ी है केवल, और जिनके पास पक्का बना है उन्हीं की आवासें आई हैं, उन्हीं को उन्हीं का पक्का फिर से बन रहा। हम लोग गरीब ऐसे ही पड़े हैं, हमारी लोगों की आवाज़ कोई सुनवाई नहीं है, ना बनी है। हम लोग गरीब ऐसे ही झोपड़ी में रहते हैं, जो कि इतनी सारी दिक्कतें हैं हम लोगों को कि बरसात में अब डर रहता है, पानी बरसता है वो गिरता है छप्पर, और उधर आग लगने के गर्म के मौसम में आग लगती है तब भी डर लगता है कि सब जल न जाए। इतना हम लोग परेशान हैं, हम चाहते हैं कि सरकार हमारे हम लोगों को आवास दे। गए तहसील, गए प्रधान के पास, गए वीडियो साहब के पास गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं किया हमारे लोगों की। कहते हैं क्योंकि हमारी आवास बननी चाहिए जिससे कि हम आराम से रह सकें। मैं और मेरा समुदाय यह चाहता है कि इन परिवारों का पक्का आवास बने। आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से हमारी अपील है कि खंड विकास अधिकारी सकरन के मोबाइल नंबर 9454444434 पर कॉल कर दबाव बनाने में हमारा सहयोग करें ताकि इन परिवारों की समस्या का समाधान हो सके। मैं हरिशंकर, सीतापुर उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ट के लिए।